फैट लॉस वर्सेस वेट लॉस। सो ये दो कॉन्सेप्ट को लेके अभी भी इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत ही लोग कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं आता, नंबर से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। सो गाइस, इफ़ यू आर अ बिगिनर या फिर अगर आप फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करने वाले हो या फिर ऑलरेडी फैट लॉस जर्नी आपने स्टार्ट कर चुकी है तो इस वीडियो को आखिरी तक देखो, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर, आई एम अ सर्टिफाइड फिटनेस हेल्थ कोच, मुझे लोग वे प्रोवीर नाम से जानते हैं। मैं फिटनेस, न्यूट्रिशन, आपके वर्कआउट प्रोग्राम, इस सब के ऊपर वीडियोस बनाता हूं। सो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो नेक्स्ट जो भी आपको फिटनेस के वीडियोस आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप नोटिफाइड हो जाओगे। सो गाइस, हम हमारे टॉपिक के ऊपर आज बात करते हैं। रिसेंटली मैंने अपने इंस्टाग्राम पे मेरे क्लाइंट की एक पिक्चर अपलोड की थी जिसमें मैंने उसकी फैट लॉस जर्नी के दोनों बिफोर और आफ्टर की पिक्चर मैंने डाली थी। एक में वो जब स्टार्ट किए थे, ये है 90 डेज का प्रोग्राम था, फर्स्ट पिक्चर में ही वॉज 76 किलोग्राम और सेकंड पिक्चर में वो है 74 किलोग्राम इन दिस ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। तो हमने सिर्फ 2 किलो वेट लॉस किया इसमें। बट अगर मैं आपको ये नंबर्स नहीं बताता हूँ, अगर आपको दो पिक्चर मैं इफ़ पॉसिबल मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, अगर मैं ये डाल देता हूँ पिक्चर, तो बहुत लोगों को मैंने जब नंबर्स नहीं बताया तो सभी का ये आंसर था 7 to 8 kgs या फिर 6 to 5 kgs उन्होंने लॉस किया है। जब मैंने उन्हें नंबर्स बताया तो दे वेयर शॉक कि सिर्फ 2 किलो कम होके उनकी इतनी इंचेस लॉस कैसे हो गए। इट इज़ वेरी सिंपल गाइस, आप अपने नंबर्स को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हो। मैं ये सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ पॉइंट टू पॉइंट। सो पॉइंट नंबर 1 कि वेट लॉस और फैट लॉस में फ़र्क क्या है। तो वेट लॉस को काफ़ी हद तक मैं ये भी कहूँगा कि आपके फैट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ता है, उसी से हम ट्रैक करते हैं, बट इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंस नहीं कि आप अपना मोटिवेशन लूज कर दो या फिर अपने प्रोसेस को ट्रस्ट ना कर पाओ। सो गाइस, लेट मी क्लियर इट कि वेट लॉस में बहुत लोग रनिंग, कार्डियो, बिल्कुल भी खाना ना खाना, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे देते हैं, जिससे उनका फैट लॉस के साथ साथ अपना मसल लॉस भी कर जाता है। इट डोंट लुक गुड। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, वेरी फेमस सिंगर हिमेश रेशमिया का अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे यूट्यूब पर, आपको पता चल जाएगा, उन्होंने जब वो बहुत ही ज़्यादा फैट थे, उन्होंने बहुत ही अनहेल्दी तरीके से अपना वेट लॉस किया, जिससे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मसल भी लॉस कर दिया था, इन विच उनको लोग नहीं पसंद करते हैं बिकॉज एवरीबडी लाइक कि कपड़े अच्छे दिखे, शोल्डर ब्रॉड दिखे, मस्कुलर बॉडी दिखे, ना कि एकदम दुबले पतले जिससे आप वीक लगो। तो वेट लॉस इज नॉट गुड बिकॉज आप उसमें अपना मसल लॉस भी कर जाते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट अनहेल्दी वेट लॉस। सो फैट लॉस की अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअल फैट लॉस प्रोसेस ये होता है कि लोगों को लगता है यहाँ पे कि अगर मुझे फैट लॉस जर्नी करनी है, मुझे लीन दिखना है, तो उन्हें मसल्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक, बिकॉज मसल बिल्डिंग सभी को करनी होती है, या अगर फैट लॉस कर रहे हो या अगर आप मसल बल्किंग कर रहे हो, तो दोनों को मसल बिल्डिंग ऑफकोर्स करना है बिकॉज उसी के ऊपर आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा मेंटेन होता है कि आप 3 महीने बाद, 6 महीने बाद कैसे दिखने वाले हो। सेकेंड थिंग, द मोर मसल मास आपकी बॉडी के अंदर, जितना ज़्यादा मसल मास रहेगा आपकी बॉडी में, उतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म आपका हाई रहेगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब मैं ये चीज़ समझाता हूँ, आपके बॉडी में चीज़ें बनना और टूटना। तो फैट लॉस तभी होगा जब आपके बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा मसल बिल्ड होगा। सो आप ये चीज़ पे ना फोकस कीजिए कि आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हो, आप बिल्कुल नहीं खाना खा रहे हो, आप सिर्फ 1-2 meal या फिर आप वाटर बेस्ड डाइट फॉलो कर रहे हो। आई डोंट बिलीव इन दोज डाइट बिकॉज वो एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। आप वापस से उतना वेट गेन कर लोगे, जब आप कम कर लोगे आपका मेटाबॉलिज्म या फिर आपके बॉडी में मसल नहीं रहेगा, तो आप वापस से ही उतना गेन कर लोगे या फिर उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, विच इज़ वेरी आई थिंक मेहनत के ऊपर पानी डालना। सो वाटर बेस्ड डाइट या फिर लिक्विड बेस्ड डाइट वही होती है कि आप अपनी मेहनत के ऊपर पानी डाल देते हो। सो द हेल्दी फैट लॉस जर्नी वो क्या होता है, आपके डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन, नॉट जस्ट कार्डियो, कार्डियो इज़ इम्पॉर्टेंट, बट साथ में आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें जिससे आपका मसल बिल्ड होता है। एंड थर्ड, एक प्रॉपर सप्लीमेंटेशन फॉलो करें। अगर आप वेजिटेरियन हो, अपना प्रोटीन टारगेट नहीं कर पाते हो, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ वे प्रोटीन्स। सो आपने ये चीज़ समझ लिया कि वेट लॉस क्या होता है और फैट लॉस, एक्चुअल फैट लॉस प्रोसेस क्या होता है। बट
वेट लॉस बहुत लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, तो मैं ये चीज सेकंड पॉइंट ये रखा हूँ कि वेट लॉस किसके लिए ज्यादा प्रायोरिटी पे या फिर किसके लिए ज्यादा इम्पॉर्टेंट है और फैट लॉस किसके लिए है। सो एज यू कैन सी द इंस्टाग्राम पे जो मैंने अपने क्लाइंट की पिक्चर डाली है, ही इज अ स्किनी फैट। मैं बहुत ही ज्यादा हिंदी सरल भाषा में रखूंगा ये वीडियो कि लोग इसको समझ पाए। स्किनी फैट मतलब ये होता है कि आपके सिर्फ टमी एरिया पे, आपके थाइज एरिया पे ज्यादा से ज्यादा फैट एक्युमुलेट हुआ है, आपके हाथ और आपके जो भी आर्म्स है वो बहुत ही दुबले पतले हैं, तो उसे बोला जाता है स्किनी बॉडी टाइप, जिसमें नंबर ज्यादा मैटर नहीं करते। आपने वेट लॉस ज्यादा नहीं करना है, आपने बस अपने बॉडी का पोस्चर को ठीक करना है और अपने बॉडी में ज्यादा से ज्यादा मसल बिल्ड करना है। तो उनके लिए फैट लॉस एक बहुत ही अच्छा एक वे रहेगा टू ट्रांसफॉर्म देयर बॉडी। वेट लॉस कभी कभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ फैक्टर्स में। सो मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा जिसमें लोगों का बहुत ही ज्यादा ओबेसिटी होता है, फॉर एग्जांपल 100 kg, 120 kg, 130 kg, जो बहुत ही ज्यादा अपने बॉडी में वजन एक बोलते हैं लाइफस्टाइल के वजह से या फिर जेनेटिक्स की वजह से बहुत ही ज्यादा बहुत फैट होते हैं, उन्हें बहुत ही खतरा होता है उनके जॉइंट्स का, उनके लंबर स्पाइन का। उनको लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है जो उनको जॉइंट्स में प्रॉब्लम दे सकती है, तो आगे जाके बहुत ही ज़्यादा वो वीक हो सकते हैं। तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वेट लॉस करना, बट उसका भी एक एक्चुअल प्रोसेस होना चाहिए। आई डोंट बिलीव इन दिस वाटर बेस्ड डाइट और कीटोजेनिक डाइट। इफ एनी क्लाइंट इस मुझे फोर्स कर रहा है कि मुझे कीटोजेनिक ट्राई ही करना है, देन ओनली आई रिकमेंड। बट ये जो कुछ ऐसी डाइट्स है जिसमें मैं बिलीव नहीं कर पाता, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा नहीं है। हाँ, कुछ वक्त के लिए आपको सेटिस्फाई कर देंगी, बहुत ही जल्दी आपका वजन गिर जाएगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बिकॉज आपको सिर्फ 3 महीने के लिए अच्छा नहीं दिख रहा, आपने अपने लाइफ टाइम के लिए उसको चेंज कर रहे हो, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक जो भी कुछ कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। तो आप समझ गए, वेट लॉस उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बहुत ही ज़्यादा ओबेसिटी में है, बहुत ही ज़्यादा उनका वजन है, बिकॉज उनके लिए जॉइंट्स के लिए प्रॉब्लम है, तो उन्हें 20-30 kg उनका लॉस करना पड़ेगा, बट वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी वे में। फैट लॉस ही सबसे ज़्यादा सबको 80% लोगों को फैट लॉस पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए उनके बॉडी में। फैट लॉस को मैं एक अच्छी तरीके से डेफिनेशन देना चाहूँ तो हाई प्रोटीन डाइट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस कार्डियो दोनों में बैलेंस एंड प्रॉपर रेस्ट, तो इसे मैं एक फैट लॉस का डेफिनेशन कहूँगा। नॉट जस्ट कि खाना बंद कर देना है, सिर्फ कार्डियो करना है, सिर्फ भागना है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं देना, बिल्कुल वैसा नहीं करना। हाई रेपिटेशंस मारने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्किंग कटिंग ऐसा कोई वर्कआउट नहीं होता है कि आपने हाई रेपिटेशन या लो रेपिटेशन, दिस इज ऑल मिथ्स। अब सब कुछ एक वीडियो में नहीं बता सकता, धीरे धीरे सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। सो गाइज, दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन फैट लॉस वर्सेज वेट लॉस। तो बहुत लोग जो बिगिनर्स हैं, आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा या फिर आप अपने प्रोसेस को ट्रस्ट कर पाओगे। नंबर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, एवरी डे आपने वजन काटे के ऊपर खड़े होकर नहीं देखना है कुछ तो वजन कम हुआ होगा, कुछ तो वजन कम हुआ होगा। नो, ऐसा कुछ नहीं करना है। जस्ट फोकस करो आपके खाने में सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहे, ग्रीन वेजिटेबल्स रहे और वाटर ज़्यादा रहे। एंड सेकेंड थिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बिलीव करो, धीरे धीरे अपने कंपाउंड मूवमेंट्स में इंप्रूवमेंट लाओ, डेडलिफ्ट, स्क्वाट एंड बेंच प्रेस, इसमें आप थोड़ा सा इंक्रीज करो स्ट्रेंथ अपनी। एंड थर्ड थिंग, अपना कार्डियो को भी बैलेंस में रखो, दिस इज द राइट वे। सो आई थिंक बिगिनर्स लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई होंगी, जो ऑलरेडी प्रोसेस में होंगे या फिर सोच रहे होंगे या फिर मेरा वजन नहीं गिर रहा है, वजन नहीं गिर रहा है, आपके बॉडी में मे बी मसल बढ़ रहा है इसलिए आपका वजन ज़्यादा नहीं गिर रहा। सो द लाइव एग्जाम्पल इज माई क्लाइंट मैक्स। अगर आप इसका मेरा इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो, मेरा आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके आप मेरे पेज पे चेक कर सकते हो। आप बस कैप्शन मत पढ़ो और मैंने जो भी आपको वजन बताया वो मत सोचो, जस्ट लुक एट द पिक्चर। आप खुद बोलोगे तो 7-8 kg लॉस हो चुका है, बिकॉज टमी पूरा अंदर गया है उसका, इंचेस बहुत ज़्यादा लॉस हो गए हैं। सो दिस इज वॉट इज एक्चुअल प्रोसेस एंड वॉट इज राइट नॉलेज। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता। दिस वॉज वेरी रॉ वीडियो बिकॉज वी आर शूटिंग फ्रॉम iPhone। सो गाइस, सपोर्ट, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो यूट्यूब मेरे चैनल को विप्रो वीर, बिकॉज माय नेम इज तन्वी, इसलिए मैंने विप्रो वीर रख दिया। सो गाइस, ऐसे ही रोज फिटनेस टिप्स या फिर वर्कआउट, डाइट, न्यूट्रिशन, फिटनेस टिप्स के बारे में हम बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो अगर आपको मदद मिली हो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।